इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। Let's play, boy. Charlie, did Charlie do it? Turn on the lights. Be high, be high, very high. It's a catch 69 situation. Thank you.
सनी बोल रहा हूँ। काम हुआ? कानूनी तौर पर सब काम हो गया भाई। और राहिल मियाँ कहाँ है? राहिल मियाँ का तो कल रात से ही स्विच ऑफ है। हरामी औलाद को हराम की ही बचती है। सरपरस्त तो आप है ना? जिंदगी में बस इसी बात का तो गम है। चलिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या सच कह रहा है? कैसे तो मुझे नहीं मालूम। सिगरेट है तेरे पास? क्यों किया तुझे? मेरे को चार्ली पकड़ा दिया तो तेरे को मालूम है ना? मेरे को चार्ली पकड़ा दिया मेरे को। मैं क्या करता हूँ? क्या कर? इसलिए किया तू? सब मुझे समझते थे। अब देख साला कौन है? देख देख कौन? तो तू अब भी है। मैं दिन में 10 बार तो सोच ही लेता था कि जब डेथ आएगा तो कैसा लगेगा, पर अभी जब आया तो कुछ स्पेशल नहीं लगा। नो व्हाइट लाइट, सिर्फ अंधेरा है। जीसस, गलती हुआ अपन से गॉड, थोड़ा लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए था। जाने वालों को कौन रोक सकता है? जिन्हें जाना था वो चले गए, और एक बार फिर से रह गई सिर्फ मैं और मेरा एक ही सच्चा दोस्त, जो मुझे अपने साथ ले जाएगा एक लंबी अंधेरी रात में। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आप इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर? यस सर। बड़ा अजीब केस है। मल्टीपल होमिसाइड्स, हिडन कैमरास, क्राइम सीन की रिकॉर्डिंग, मीडिया कम से कम एक हफ्ते तक तो उछालेगा इसे। कोई अरेस्ट अभी तक? नो सर। सर मैंने अभी तक रिकॉर्डिंग देखी नहीं है, और प्रोटोकॉल यह है कि पहले एविडेंस फॉरेंसिक लैब पर। अच्छा अच्छा, यू वन ऑफ दोस प्रोटोकॉल। आप रवि नाम्बियर, आपने देखी है रिकॉर्डिंग? यस सर। जैसा आपने कहा था मैंने सारा फुटेज क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू द डेट एंड टाइम। राइट, सो डू वी हैव अ केस? सर ये आप खुद एक बार देख लें तो बेहतर होगा। इंस्पेक्टर समीरा पावाते, शुड वी? ऑफ कोर्स सर। आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, आपकी मंजूरी बहुत जरूरी है। प्रोटोकॉल तो यही कहता है, एक बार तो आप टोक ही चुकी हैं।
सर अगले 20 मिनट तक यही स्टैटिक फ्रेम है, कोई एक्टिविटी नहीं है इसमें। क्या मालूम मेरी क्या गलती इसमें? अरे वो सब पुलिस आ गई उधर, भागे उधर से, बस मुझे क्या पता कहाँ गया वो? क्राइम सीन का फुटेज यही खत्म हो जाता है, मीडिया फुल हो गया इनका। तुम कह रहे थे कुछ और भी फुटेज थी इससे पहले की? हाँ सर, पिछले 15 दिन की रिकॉर्डिंग है इसमें और 7 अलग अलग डेट्स पे रिकॉर्डिंग हुई है। और टोटल फुटेज कितनी? सर 50 मिनट्स एंड 37 सेकंड्स। सर इससे इमीडिएट पहले की रिकॉर्डिंग देखें? नहीं, शुरू से देखते हैं। पता तो चले कि ये रंगरूट इस अंजाम तक किस मुकाम से पहुंचे। तो ये मीडिया का डे 1 है, 57। पापा जग जाएंगे ग्रेव से, अच्छा लगेगा। तुम लोगों को अच्छा लगेगा मेरे पापा जग जाएंगे ग्रेव से? अब क्या कर रहे हो यार? सैमी पास। ए, वो डोंट गिव अप यार। ए, तुम मत पियो। लास्ट टाइम तुमने वो चिल्लम पी थी, एक हफ्ते तक खास रही थी। डोंट वरी मैन, कुछ नहीं होगा। ओके, नथिंग विल हैपन। सो वी विल पुट गार्गल्स कर। ये सारे विक्रम्स हैं फुटेज में? नो सर, ये ब्लू शर्ट वाला लड़का नहीं है। अरे पैटी जी, ये क्या किया आपने? होल को फिंगर ही नहीं करा। अरे अबाउट व्हेन टू फिंगर अ होल एंड व्हेन नॉट, कब छेद में उंगली डालें और कब नहीं। गुरु जी, देखिए ये दोनों नादान बालिका कुछ समझ नहीं पा रही, तो भगवान आप थोड़ा विस्तार से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, तो तैयार हो जाइए आप। किसी किसी को कहाँ कहाँ बैठना है? एकदम ऑडियंस तैयार हो गए, थर्ड वेल हो गई। तो मीना जी प्लीज, मेहरबान मेहरबान कदरदान, वेलकम टू बॉम्ब सकिंग क्लास। आप ये जो मेरे हाथों में इधर देख लीजिए, मेरे हाथों में जो लंबी सी चीज देख रहे हैं वो बॉन्ग है दोस्तों। क्लोजअप कीजिए प्लीज, ये बॉन्ग, बॉन्ग को देखिए मीना जी, क्लोजअप। इस बॉन्ग के दो छेद होते हैं, एक बड़ा छेद, दूसरा छोटा छेद। नाउ लुक क्लोजली एट माय लिप। पैडी जी आप ट्राई करो। कभी अपन की भी आइटम थी, कार्ड प्रॉमिस धड़कन थी, वो मेरे दिल की धड़कन थी, धड़कन थी। You know what time it is? It's Charlie time. I'm the director. Come on, Lina.
रिजेक्ट बुलबुल को सी अदर बुलबुल्स बुलबुल क्या गजब हेवन है यार ये तो हेवन यार अबे आगरे हट जा यार हट जा यार ओ, हेवन के साथ हैवान भी है स्ट्रगल चुम्मी ले लेगा क्या अब मैं नहीं जाना चाहती लौंडिया क्यों ले जा रहा है जवानी 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 आराम से हैंडल विद केयर वाला माल है से कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए अपने हीरो से पंगा पंच एक्शन सीक्वेंस सीक्वेंस हो रहा है कहानी में मजा है लारा क्रॉफ्ट लेडीज एक्शन एक पंच मिल जाए यस ये कम ऑन चिल मैन हो गया ना चिल क्या इसी का पंखा लगा के मेरे अंदर उसके ऊपर क्यों चिल्ला रहा है अभी मैंने तुम्हें कहा था कि नहीं हाँ नहीं लेके आते इसे ये किधर जा रहा है हर जगह यही प्रॉब्लम होता है हेलो सॉरी मैं निकाल रहा हूं सॉरी ना बाबा Why are you doing this? येर का बोतल आते छुड़िया खोपड़ी खोल डालेगा मैं तेरे की इधर आ सामी stop it okay बस हो गया अभी shit man always you have to do this always ए जानता नहीं है तू कौन है ये he's a superman chill out this is ridiculous मस्त एक्शन मिला तेरे को कि नहीं ओह मस्त मस्त एकदम रॉकी बालबोआ यार पर क्लाइमेक्स से पहले ये यार तुम लोग भी लेट्स गो डर्टी डांसिंग नो मोर ड्रग्स फॉर हां चल सो आई एम गोइंग टू द कार और व्हेन वी मोर बैटी हटना क्या कर रही है नीना वी आर आल्सो कमिंग नो ए बैटी बैटी सॉरी सॉरी चल 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 ना दोनों संभाल लेंगे यार मैं क्या करूं मैं तो कर ही रहा हूं क्या करें
रोड कौन सा है सर इट्स इम्पॉसिबल टू टेल बहुत अंधेरा है तो गाड़ी का नंबर सर एक फ्रेम भी मिल जाता तो किस काम की है तुम्हारी टेक्नोलॉजी डेट 6 दिसंबर है ना राइट दैट्स राइट तो बुलेटिन निकालिए किसी न किसी पुलिस स्टेशन में तो इस एक्सीडेंट की खबर होगी ओके गाड़ी को टक्कर उसने मारी उसके बाद तुम उतरे और उसने पहले धक्का मारा तो तुमने सेल्फ डिफेंस में जाके उसको मारा यू हैव टू गेट दिस राइट सैम आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस ओके इधर बैठ एक तो सुन सर वो एड़ा तेरा राखी ब्रदर है क्या वो तेरा कोई सगे वाला है तू काहे को इतना बम बम मचा रही है क्या प्रॉब्लम है तेरा मैं चिल्ली है तू समझ कुछ तू बात को समझ कुछ सैम एक गाड़ी ने हमको वहां पर देखा है निकलते हुए उनके वहां से पहले पहुंचने से हमें वहां पहले पहुंचना चाहिए डू यू गेट दैट कॉमन सेंस गाइस स्टॉप फ्रीकिंग आउट स्टॉप फोन कॉल किया ना पैटी चिल ओके 20 मिनट के बाद बहुत बड़ा एग्जाम किया तुमने हां हम पुलिस को क्या बोलते क्या बोलते पुलिस को सर क्या पूरी पूरी कोक हमने मारी है ना बॉटल डाउन हमें हम क्या बोलते उन्हें सर हम ना कुंफू का गेम खेल रहे थे रास्ते के ऊपर अचानक से आदमी पता नहीं किधर कैसे गाड़ी के सामने कूद गया और वो गाड़ी का सॉरी सर हम नंबर नहीं नोट कर पाए थैंक यू सर सॉरी सर टेक अस टू द जेल सर ये ब्लड स्टेन देख मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम सब विलेन हैं सुन रही मेरी बात हम सब विलेन हैं हम सब जेल जाएंगे क्या तेरे लिए यू आस्किंग मी टू चिल या लेट्स चिल लेट्स गो गेट सम मोर कोक लाइंस हां एंड स्निफ इट ऑल एंड देन लेट्स गो पार्टी समवेयर एल्स एंड देन लेट्स चिल दैट्स व्हाट यू वांट चिल 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 ओके थैंक यू इसको ले जा यार तू यहां थैंक यू भाई ऐसे फिर बनाऊंगा दुनिया मेरे पीछे होगी भाई दीपक गए यार दीपक का है नहीं दीपक के अब दीपक कुमार में क्या बुराई है अरे न्यूमरोलॉजी स्टाइल क्वेश्चन पड़ता है बे स्टाइल क्वेश्चन दिख रहा है मुझे आगरा कॉलेज बीए पास स्टाइल अबे जीवन लाल त्रिवेदी तुम तो यहाँ रहने ही दो हैं 15 साल से हम मरा रहे हो कोई कुत्ता पूछता है तुम्हें बेटा 1 साल के अंदर लॉन्च नहीं हुआ ना तो नाम नहीं मेरा ये तो ऑलरेडी लॉन्च हो रहा है क्या नहीं नहीं बढ़िया है मतलब अरे तुम लॉन्च हो गए 1 साल में तो हमारा भी कुछ हो जाएगा क्यों निचड़ साले तो मैं ये ले चलता हूँ फिर अम्मा यार तुम छोड़ दो उसे कहने दो अम्मा यार तेरी गोटी फिक्स कर दूंगा डूड अरे तू छोड़ यार तुझसे कुछ होगा नहीं रख दे यहीं पे अरे यार इब्तिदा इश्क है रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या गुरु है इस्माइल क्या प्रभु क्या ना इंसाफी है ये कामदेव का अवतार मैं बिन तार का सितार चलो यार कहीं और चलें एनजीआर ओहो मक्खन मलाई की चिकनाई कहाँ से पाई राणे चेहरा तो दिखाओ फोकस में आओ फोकस तो क्लब वाली हेवन हे प्रभु क्लब वाली हेवन मिला दी प्रभु प्रभु सैम 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 वो नाइट क्लब वाली हेवन मैं भूल गया जिसके साथ एक्शन सीक्वेंस हुआ था उसके साथ ही वो लड़की अरे वो वहां पे सही में हाय कर रही है मैं हाय हाय कर रहा हूं धुआं उड़ा रही है मैं धुआं बन रहा हूं
यहाँ भी पहुंच गया। ये कामदेव का पक्का पट्टा है। अरे ये तुम तुम क्या हो रहा है? तो लगता है इसके कैमरा की बैटरी जाने वाली है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शूट कर रहे हैं और बैटरी भी चार्ज नहीं है। ब्लडी एमेचर्स। ओह डूड, क्या बातें चल रही थी? सी का ब्यूटी डिस्कस कर रहे थे। कम ऑन डूड, इतना चिढ़ क्यों रहा है? बता ना, प्लीज। ऐसा मौका ना लाइफ में एक ही बार आता है, जाने नहीं दूंगा इसको। हाँ डूड, अपन भी चांस मार ही लेते हैं। चांस तो मैं मारेगा ही। इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है यार, पता भी नहीं चलेगा कब काम हो गया। ओहो, आ गया सुपरस्टार और मैना, अब होगा मेरे ड्रामा है ना। मिस्टर फ्लेक्स सैम, एक्शन। कैसा है? हाँ बढ़िया बढ़िया। क्या हुआ? यू कॉल्ड, यू वर सो एक्साइटेड। लव फ्लाइट कुछ ऐसा। क्या हुआ? वो अपना दोस्त याद है नाइट बिफोर। क्यों, क्या हुआ, मर गया क्या? नहीं यार, न्यूज़पेपर में तो कुछ नहीं है। सिचुएशन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। व्हाट हैपेंड? उसकी एक दोस्त मिलने आई थी मेरे से आज। कौन? राहिल की दोस्त हेरा। व्हाट द हूज राहिल? ये राहिल कौन है? तेरे को नहीं मालूम राहिल कौन है? मेरे को नहीं मालूम राहिल कौन है। वो रात में टक्कर टक्कर खेला था ना जो एक्सीडेंट। देख बॉस, देख देख, मुझे ये बारे में कुछ बात नहीं करनी, मैं तेरे को पहले ही बोला हूं। ये ना दिल्ली में आग लग चुकी है, बम फटने वाला है। बहुत कमाल का न्यूज़ देना ही थी, एक बार सुन तो लो। व्हाट शी नोस? बराबर। डू यू फ्रीकिंग मी आउट नाउ? एक और इंटरेस्टिंग बात तो सुन लो। ठीक क्या? वो राहिल जो है ना, वो अजमत खान का आदमी था। व्हाट द, दिस इज बुलशिट। ओके बुलशिट, तुझे कैसे बताऊं सच बोल रही है? वो कुछ भी बोलेगा वो तू मान लेगा। कौन है अजमत? अरे बेबी, अजमत खान बहुत बड़ा डॉन है, दुबई में रहता है, पेपर वेपर पढ़ा करो। अबे बकवास कर रही है, समझा? उसको बोल। सुनना सुनना, हो सकता है अजमत खान का नाम ओनली इफेक्ट के लिए ले रही है, बट पॉइंट ये है भाई, शी नोज। This is not happening, boss. Listen, what does she want from you? उसे हमसे कुछ काम है। क्या काम? हमसे की तुझसे? क्या काम? वही जो राहिल को करने का था, अभी अपने को करना पड़ेगा। नहीं भाई, मुझे कोई काम वाम नहीं करना है, तेरे को जो करना है कर, ठीक है? What is happening? हमें कुछ सामान शिफ्ट करने का है। What does that mean? सामान शिफ्ट कर, तू पागल हो गया? It means अभी आया तेरे दिमाग में? चार्ली चार्ली शिफ्ट करेगा तू? पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया? करना पड़ेगा। अरे मैं जा रहा हूँ ना, ये पागल हो गया। जा रहा किधर? किधर जाएगा? तू सीधा बात कर। अभी मेरे, मैं इसमें फंसा है ना नीना, अभी मेरे को मेरा सबको हेल्प करना पड़ेगा। ए, हमको कोई हेल्प करने का जरूरत नहीं, ठीक है? ओ हीरो, क्या हम सब इन्वॉल्व हैं इसके अंदर मालूम? अभी मेरे साथ जो होएंगे ना, वो सबके साथ होएगा। अगर मैं फंसा ना, सबको अंदर लेके जाएगा मैं। तू मेरी बात सुन, जूनियर आर्टिस्ट, तुझे जो करना है कर, समझा? जूनियर आर्टिस्ट? ये तू लड़ा था ना उसके साथ नाइट क्लब में? हां, दिस इज योर शिट मैन, हम तू इसमें पड़े, तेरे को जो करना है कर। इतने तेरा मारा था ना गाड़ी के सामने टक्कर, उसको लात तू ही मारा था ना, वो जो उछल के गिरा था। दिस इज माई शिट। अजमत खान के गैंग को अगर पता चला ना नीना, हम सबका गर्दन शिट में होएगा, और मैं अकेले तो उधर खड़ा नहीं होएगा, समझा तू? ए, तुझे जो करना है कर, समझाना? मैं कुछ नहीं करने वाला, समझा? मैं नहीं करने वाला। ये डेढ़ शाणे के भेजे में ना बात घुसा में, ये टक्कर मारेगा ना इसके, अभी उधर पलटी मार के गिरेगा, समझा? क्या मारेगा? टक्कर तू बहुत शाणा है, मारूं तेरे को टक्कर? ये बहुत बड़ा हीरो है, क्या तेरे को टक्कर मारूं? जस्ट चलो, जस्ट शट अप। ओके डिप्स, नो 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 नो, लिसन, यहां सीन क्रिएट नहीं करना। ओके, वी विल गो होम एंड टॉक अबाउट दिस। ओके बेबी, बेबी बेबी, आई हैव एन ऑडिशन टू गो टू, आई एम गोइंग। चल कर, चल चल ऑडिशन कर। फटलेस, किसके साथ ऑडिशन पे जा रहे है? दिस इज नॉट फेयर। वो जो किया वो फेयर है? ही वाज ट्राइंग टू सेव योर एस देयर, रियली। अरे तू क्या मेरे को मारेगा? मेरा एस सेव किया तो मरने छोड़ देना चाहिए था तेरे को सर। इना ऐसे क्यों बोल रही है तू? ऐसे काय को बोल रही है? अजमत खान की कोकीन उड़ा रहे हैं ये लोग। सर, आईबी की इंफॉर्मेशन थी कि हुसैनी मरने से पहले कोई
बहुत बड़ा कुकिंग का कंसाइनमेंट लेने वाला था। आपने टेंशन में डाल दिया। बच्चों जैसी बातें कर रही हो यार तुम। हाँ किसी ने कुछ बोल दिया तुमने मान लिया। किसी ने नहीं, सैम ने, ठीक है? और सैम कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगा। हाँ तुम्हारा बुरा तो सिर्फ मैं चाहूंगा, क्यों? है ना? सैम ने तो पीएचडी की है ड्रग पेडलिंग में, क्यों? Why are you not getting this? You know, हमारे पास options क्या है, हाँ? अगर हम पुलिस के पास जाएंगे ना तो सीधा जेल जाएंगे, they are not going to spare us, ठीक है? And I don't want to do that. मेरा बाप मेरे को कलकत्ता लेके जाएगा वापस. I don't want to do that, okay? And अगर वो नहीं करते तो अजमत खान तुम्हारा डॉन जो भी है ना, whatever that thing man is, he'll screw us over. We don't have a choice, okay? And baby, your Jeeves, no? तुम्हारा जिस रोज तुम्हारे साथ फूंक रहा था बाहर, he's already said yes to it. पैटी भी हाँ बोल चुके हैं, सब हम ही बचे, okay? And by the way, we don't have to do anything, ठीक है? Sam delivery लेगा, हमें सिर्फ एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में shift करना है। क्या shift shift यार, तू पागल हो गई हो? ये shooting की shift लग रही है तुम्हें? अभी ये Sam ना हम सबको late होगा, हम actors हैं समझी? हम कोई peddlers नहीं। तुम actors हो, that's such a joke। या actor हो, पार holding लगाना तुम्हारा बड़ा autograph लेने आते बड़े। नीना। Actor हो तुम? कोई जानता है तुम्हें? लास्ट कभी काम किया था? पैसे है तुम्हारे पास? ये टी शर्ट और ये शॉर्ट्स के पैसे किसने दिए? मैंने दिए पैसे। पैसे गिनाओगे मुझे? हाँ गिनाओगे, क्योंकि तुम्हारा बाप तुमसे पैसे का हिसाब नहीं मांगता है हर महीने। You getting it? It's very easy for you. And by the way, listen, okay? Listen, Sam ने कहा है कि Sam, yeah, right, Sam, right. Tell me, this is not about Sam. This is not about Sam. This is not about Sam, okay? This, listen, This is for us, baby. You and me. You know, Sam ने कहा है कि हमें 2 crore रुपए मिलेंगे ये करने के लिए। कितने? 2 crores. हाँ, 2 crores. Imagine. We can make our own film. हम produce करेंगे, खुद launch करेंगे. We'll both be like in the lead. Imagine, baby, just one time, एक ही बात करना and we'll make our own film. Maybe it's our dream, no? Come on, once. अपने आप खुल गया दरवाजा। तुम बताओ। ये नीना, दीपक, सैम और पैडी। हाय, मी जीव्स। मी सोहेल। कैसा सोहेल भाई? बोला तो अच्छा है। काम की बात करें, सोहेल का एकदम पक्का अरेंजमेंट है, वो तुम सबको बता देगा कि क्या। एक मिनट, ए भाई क्या हो रहा है? क्या कर रहे तू? बंद करना इसको भाई, बंद कर। अरे भाई कोई बात नहीं है, एक प्राइवेट फिल्म बना रहा हूँ। डोंट गेट कॉन्शियस। प्लेस में प्राइवेट फिल्म बना रहा है, घर पे चालू रख रहा, बस प्राइवेट फिल्म बना रहा है। अरे यार जस्ट भाई इसको, जस्ट बी रियल। अरे डेविड धवन तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है? अभी तक सनराइज भी नहीं हुआ है। अभी स्कूल जाने के तो नहीं उठा ना तुम्हें? वैसे भी तुम्हारा आइडिया था। टेंपर नहीं कर सकते तुम, हमेशा इतने सीरियस रहते हो। बाबा की छड़ी बड़ी है ना बेबी। वैसे भी जेल में रोमांस करना है तो ठीक है, वरना लेट्स जस्ट स्टे फोकस्ड, ओके? या लिसन, थैंक यू। अपसेट तो नहीं हो? से अपसेट होकर जाऊंगा कहां? ओ आई लव बेबी, कम आओ कम आओ। ओ यार क्या कर रहा है? अगेन हाय, लेट्स गो सैम। मैं आऊं तेरे साथ? कैमरा बंद कर, गाड़ी में बैठो, चुपचाप जल्दी कर। ओके डिप्स के साथ, और सैम को अगर थोड़ा टच भी कर लिया तो नीना बुरा मान जाएगी। व्हाई
Why can't you just stick to that one guy? What's the issue? और नीना है कि नहीं, नीना कभी किसी की नहीं सुनने वाली. She just wants to twirl around both of them, all of them. आगे हाय. हेलो, कैसी है तू? पाली चाका में बिंदाड़े. बड़ी सीक्रेट जगह ढूंढी इन्होंने बैग ट्रांसफर करने के लिए. ओह सॉरी, वेरी इंटरेस्टेड. अब तक नाराज है? मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? तू आकर फोन कर, ठीक है? टेक केयर ऑफ हिज. तो आप बता रही थी नीना के बारे में. चल कैमरा बंद कर. पूरी की पूरी फिल्म छोड़ के गए हैं ये लोग. फिर भी समझ में नहीं आ रहा कहानी क्या है. सर एक बात पूछूं? कोई टेढ़ी बात मत पूछना यार. बाद में यार, ये दिमाग बहुत चक्कर खा रहा है. सर लेकिन इन लोगों को ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? एक्सीडेंट के बाद सीधे सीधे पुलिस के पास आ जाते थे. तुमने कभी हिट एंड रन किया है? हटके हाथ में आ जाती है. सर लेकिन ये तो नॉर्मल लोग हैं सर, इनके दिमाग में आया ही कैसे ये सब? तुमने वो बैग्स का साइज देखा था? करोड़ों का माल है यार. तुम्हें मौका मिलेगा तुम करोगे कि नहीं? मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा सर. बड़े ईमानदार आदमी हो. मुंबई पुलिस इज प्राउड ऑफ यू. सर आप यकीन मानिए मैंने कभी जिंदगी में चीटिंग तक नहीं की. सर एक बार मेरे डैड ने कहा था, अरे एग्जाम है कोई बात नहीं. हाँ ठीक ठीक ठीक, बात बात चलो वीडियो चलो. वो राइल का बॉडी कैसे मिल गया? तू बोला था ठिकाने लगा दिया उसको, वो मिल के ऐसे क्या बॉडी उसका? फिर कुछ नहीं होगा. ओके okay? उनको कैसे पता चलेगा कि कौन रिस्पांसिबल है? क्या पागल है? क्या पागल है तू? मत करिए. अगर आइल मर गया है तो उधर उधर माल उठाने कौन गया? उसका भूत गया था क्या? आई नो ऑल दैट यार, बट उनको नहीं पता कि तुम रिस्पांसिबल हो. बहुत स्मार्ट समझती है ना तू अपने आप को, बहुत स्मार्ट समझती है ना. भैया हंस क्या रही है तू यार? और ये कोकेन ले लेके हम जो गाड़ी में घूम रहे उसका क्या करेंगे अभी? अजमत का गैंग जिंदा जला देगा अपने को. माल ठिकाने लगाना तुम्हारा काम नहीं है, सुहेल का है. और जब सुहेल पकड़ा जाएगा तो क्या बोलेंगे अब पुलिस को? अन्ना अट्टे बोला था मेरे को माल उठाने के लिए, अपन लोगों का इनाम लेगा ना. रिलैक्स, नो नथिंग्स गोना हैपन, जस्ट चिल. मत करिए, मत कर. अभी माल ना उधर ही चढ़ेगा. जब तक तू मेरे को नहीं बताती कि उन लोगों का प्लान क्या है, उधर ही रहेगा माल गाड़ी में. बस प्लान वही रहेगा. ओके मैं संभाल लूंगी सब कुछ. तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं. ये छोकरी मरवा के मानेगी. अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई हैरा जी. राहिल की बॉडी मिलना तो अपशकुन है हम सब के लिए. अभी बाकी लोगों को पता चलेगा तो टिप्स को तो आप जानती है ना, बहुत मच मच करेगा वो. उनको कैसे पता चलेगा बेबी? तुमसे? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा. पर अब मैं भी तो एक इंसान ही हूँ ना, अरमान है कुछ. ओ, ब्लैकमेल हा? अरे नहीं नहीं, ब्लैकमेल नहीं. मैं तो बस ये कह रहा था कि सब अगर मेरे से पूछेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं, मतलब सब दोस्त है ना. अरे मतलब सब फ्रेंड्स हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा? कुछ ना कुछ तो. जीस बेबी, यस यू लव मी राइट? ऑफ कोर्स सरा जी. आई हैव गॉट अ गिफ्ट फॉर यू. रियली? ओह दिस इज अनरियल मैन, सीरियसली. थोड़े ही टाइम की बात है बेबी, ये तो कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सहेल भाई, स्माइल प्लीज. स्माइल भाई, भाई स्माइल. अबे हेड़े है क्या? कितनी बार बोला तेरे को कैमरा नहीं, बंद कर, बंद कर. से समझ में नहीं आता तेरे को? सुन यार, मैं तो टुकड़ों पर पड़ रहा हूं तुम्हारे से. तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, है ना? तो तुमने कहा, मैंने करा. ठीक है, भुगतो. ठीक है, तुम. व्हाई ब्लेमिंग मी?
Why are you blaming me? Tips, मुझे भी याद है कि ये हमारा common decision था, okay? We both had agreed on this one. बिल्कुल नहीं. It was all about Sam, ये Sam वो. और मैं भी सुन रहा था सब. हो गया ना भी. पुलिस गैंगस्टर्स दोनों मिलके मारेंगे. सैम की वजह से हम सब घुसने वाले. ये सैम क्या लगा रखा है तुमने? हाँ? मैं हमारी बात कर रही हूँ टिप्स. सैम नहीं तो किसकी वजह से हम सब इसमें घुसे? हाँ? Would you let go of this already? Really? I mean, मैं तुम्हारे साथ हूँ कि सैम के साथ हूँ? तो जाओ जाके बैठ जाना उसके साथ. I'm sure तुम्हें ज़्यादा अंडरस्टैंड करता होगा. तभी तो जब तुम्हारे साथ था, he was sleeping with half the girls in Bangalore. Wow. I'm sorry. No, thank you. ठीक है ना, गुस्से में निकल गई यार. I really needed this right now. Nina, what the? Awesome. Thank you. अबे ठीक है ना Nina यार, तुम हर. Thank you. Life is a and I'm a dog. Woo-hoo-hoo. Just go away from here, Jeeves. I don't want to talk to you. क्या बात है, उधर dips भी down, आप भी नाराज, चक्कर क्या है भाई? Yeah, because life's not a, you know, Nina's a. ये सब कुछ ना मेरी वजह से हो रहा है. Everything is because of me. मैंने डिसीजन लिए थे ना सारे. Nobody respects me. मैं करता हूँ. क्या? Respect. अपनी. अपनी respect तो सभी करते हैं. मैं आपकी respect करता हूँ नीना जी. I'm serious. You're sweet, Jeeves. Sweet. Thank you. दूसरी बार मुझे किसी ने sweet बोला. पहली बार किसने बोला? अभी आपने तो बोला. दूसरी बार. Such a bad joke. Actually मेरी एक girlfriend थी, उसने बोला था मुझे. Girlfriend? Okay, not bad. अरे मैं. Come on. कौन थी वो? मैं कैमरे के पीछे थी. It don't be a spoil sport. Cameras rolling and action. मेरी एक girlfriend थी, उसने मुझे sweet बोला था. आया वो? भाग गई वो. किसके साथ? मेरे एक दोस्त के साथ. What? अरे आप ये छोड़ो, आप ये बताओ आपका पैटी का क्या चल रहा है? आप ये बताओ कि आपका पैटी का क्या चल रहा है? पैटी क्या? पैटी, you know, पैटी समझती नहीं है. सैम के पीछे पड़ी हुई है. सैम और उसका कुछ नहीं हो सकता. मैं बता रहा हूँ, वो सैम की फटती है, आपको पता लग गई ना. तो मुझे पता लग गया तो भी क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे, you know, really, what difference does it make? नहीं मतलब मैं ये वो जो कह रहा हूँ वो नहीं कह रहा था मैं. आप रो तो नहीं रही है? मैं नहीं रो रही हूँ, you know, मेरी इमेज बन गई रोने की, मैं नहीं रोती हूँ हमेशा. देखिए अगर आप रो रही हैं तो प्लीज टेंशन मत लीजिए, हम हैं आपके लिए. अरे सी, सी, अरे क्या कर रहे थे तुम? मैं क्या कर रहे थे? अरे मैं कंसोल कर रहा था. कंसोल कर रहे थे तुम? जांच मारे थे जीव, झूठ मत बोलो. हां जी, ये प्लीज एक्विजिशन. मैं कंसोल कर, मैं कंसोल कर, मैं बात मत करना मेरे से कभी. कसम नीना जी, सैम को ना बताइएगा, हमारे बीच कुछ डिसएग्रीमेंट हो जाएगा. क्या सॉफ्ट है यार. बम चिकी चिकी बम चिकी बम. But of all people, me? No, no, I don't get it, Hera. Just listen to me, okay? उन्हें कुछ नहीं पता लगेगा. I can guarantee you that. Hera, how can you guarantee me that? It's just... I know it, yeah. I know how it works. Look. ये bag आपका. Thank you. Look, list में तेरा नाम था कि नहीं था? हाँ था, पर तू. तो फिर बस. यार क्या है यार? खुदी के पास से मदद थी? हाँ, sure, why not? कोई मेरे को सोचने देगा क्या इधर? Yeah, but you know it's really easy for you, Sammy, क्योंकि तुम्हें फोन कॉल नहीं आया है. तू बोल, मैं चला जाता है. या तुम घर चले जाओगे? उधर भी टेंशन है, इधर भी टेंशन है. क्या हुआ? टिप्स को दुबई से फोन आया है किसी जब्बार से मिलने के लिए. अब ये जब्बार कौन आ गया? वो अकॉर्डिंग टू हेरा वो अजमत खान का आदमी है. व्हाट? या उसे क्या चाहिए? नाइट क्लब में राहुल के साथ कौन लड़ा था ये जानना है उसे. तो अपना टिप्स जा रहा है ना? हाँ मैं जा रहा हूँ. What? No. तो भी अगर मैं नहीं गया ना तो हमारे घर पे पहुँच जाएंगे वो लोग. Yeah, but I'm not getting a good feeling. क्यों? Everything was taken care of, right? अगर मुझे कुछ भी हुआ ना, it's all on you. इतना भी कुछ ना, serious नहीं है. अच्छा serious नहीं? Yeah, right. कुछ serious नहीं है ना? हम तो है ही ऐसे लोग जो सब कुछ serious ही लेते हैं, हाँ? Really? I don't want to be here, okay? Bye. नीना, मैं. Tips, come. We'll just go home, baby. Shit, जीवन में अपना बैग फिर से उधर भूल आई. प्लीज गेट इट फॉर मी. नो
श्योर है रजी। प्लॉट थिकन्स जब बार खुद इन लोगों को फोन कर रहा है। ये कौन से डेट की रिकॉर्डिंग है? 17 दिसंबर को ही हुसैनी की लाश मिली थी मड क्रीक में। सर हो ना हो ये वही कंसाइनमेंट है जिसकी डिलीवरी मरने से पहले हुसैनी लेने वाला था। और वो किसी कंसाइनमेंट की तो बात नहीं कर रहा है, तो राहिल के बारे में पूछ रहा है। Why is राहिल so important? Is राहिल की कोई इंफॉर्मेशन है? नो सर, अभी तक तो कुछ मालूम नहीं। देखो हुसैनी और जब्बार अजमत खान के मुंबई में सबसे खास आदमी। हुसैनी का मर्डर हो जाता है, कोक का कंसाइनमेंट गायब हो जाता है और जब्बार ढूंढ रहा है राहिल को। और ये लड़की हेरा इन लोगों को बताती है कि ये कंसाइनमेंट राहिल को ही पिकअप करना था। सर इसका मतलब ये लड़की हेरा भी हुसैनी के मर्डर में इन्वॉल्व थी और अब वो इन लोगों का इस्तेमाल कर रही है उस कंसाइनमेंट को ट्रांसफर करने के लिए। विजिलेंस को फोन लगाओ, पता करो कि अजमत खान या उसके किसी आदमी का इस लड़की डिप्स के पास फोन आया था क्या। यस सर। ये लकी शायद पता चल जाए कि क्या बात हुई थी उनकी। कमीना सैम मुंह में दे दे इसके, साला कैसा कमीना दिख रहा है। Lovely body, maintain figure. ले ले मजा कमीना, दोस्त की माल पे हाथ फेर गया। Custard. Pervert. This is incest. Dude, teri kismat. Hey, Raji. Sir, I'll forward this. Anything, just signal us, we'll come. Yeah, yeah. Okay, dude. I'll just room, okay? Love you too, baby. Dude, all the best. जो बोला वही कर रहे हैं, कर रहा है ना ये। दिख रहा है क्या कुछ? यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है यार। कहाँ जा रहा है तू? नहीं मतलब मैं पूछ रहा था किसके साथ क्या चल रहा है। हेरा और कौन? वो मैं पक्का कुछ पता नहीं सकता उसके बारे में। इट्स ओके, उसको बताना मत। सैम को बताना मत, मैंने पूछा था। कम ऑन बेब, स्टे हियर। या आई एम देयर बट बेब, मैं कभी इधर का उधर करता हूँ क्या? आई एम श्योर। पर तू अगर चाहे ना तो बता सकता है। ओके फाइन, मैं बता दूंगा।
कोई कोई जबरदस्ती नहीं है, यू नो. इफ यू वांट, इफ यू फील यू डोंट वांट टू टेल हिम, इट्स फाइन विद मी रियली, यू नो. कमाल करती हो. या आई मीन ओ शिट, ही इज आउट, ही इज आउट, ही इज आउट. तो मतलब सैम को बताना है या नहीं बताना? जस्ट शट अप नाउ. ओके, ओह माय गॉड, आई मीन इट्स ऑल, आई मीन इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. तुम्हें क्या लगता है, दिल तोड़ दिया तुमने मेरा? दिल तो आप तोड़ के जा रही हो. इसी का शोल्डर मिला है क्या तेरे को? तू यहाँ पर मत आ, मॉर्निंग यू. क्यों डरा रहा उसको? तू हमारे बीच में मत बोलियो, हमारा पर्सनल मामला, ठीक है? देखो मेरे को तुम लोगों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है. गैंगस्टर्स मेरे पीछे पड़े. चुप. ए अभी बहुत हो गया तेरा. Baby, listen, एक बार बात सुन लेते ना, एक बार बात सुन लेते. सैम क्या कह रहा है? एक देख, 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 इधर सुन. सुहेल ने डील क्रैक कर लिया है. कल अपन को सिर्फ फाइनल डिलीवरी देने का. मैं जानता हूँ इतना ही आसान है जितना तू बोल रहा है. कल कल हम लोग इस टाइम तक नोट गिन रहे होंगे. जब्बार हम किसी को नहीं छोड़ेगा. अपने आदमियों को लोग छोड़ते नहीं है. हुसैनी को मार डाला उन लोग ने. इतना बड़ा आर्टिकल छपा था पेपर पे. धीरे बात कर, धीरे बात. घंटे धीरे बात कर. टिप्स टिप्स सुन, देम सुनो तो. रुको. पट्टू है साला. आता रहता है मेरे पास तुम्हें लगा. दैट गर्ल नीड्स सैड गर्ल. कितनी बार मना करूंगी उसे? हां नहीं था. किसके लिए मना करूं? वीना के लिए. यू नो व्हाट यू नीड टू डू. गिव इट बैक. ले लीजिए पैटी, आपके सारे दुखों का निवारण करने आ गया है चार्ली. निकाल उधर से. तू कुछ भी करके निकाल उधर से. वहां अरे बाहर में गया तेरा बॉस. अरे गटर में गया ना वो. कुछ भी करके उधर से निकल तू. और वह घर में चले जाना अड्डे पे. मिल क्या बोल रही है तू? तो ऐसे खत्म हुई इनकी दोस्ती दुश्मनी की दास्तान. जीवन को तो
इन लोगों ने नहीं मारा। सर अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई हैं और फॉरेंसिक के ख्याल से जो गोली जीवन को लगी थी वो सैम के पिस्टल से थी। सर आपको लगता है कि जीवन को मालूम था कि जब्बार इन लोगों को मरवाने वाला है? सवाल ये उठता है पावते कि जब्बार आखिर इन लोगों को क्यों मरवाना चाहता था? सर क्योंकि इन लोगों ने हुसैनी का कंसाइनमेंट ट्रांसफर किया। मुझे भी ऐसा लगा था लेकिन दो सीन पहले अभी मेरी वो थ्योरी तो अपने कब्र में दफन हो गई। कल सुबह 10 बजे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अंधेरी में एक रेड में 50 किलो कोकेन पकड़ा। हाँ सर वही रेड जो हमने भी देखा। 11 बजे उन्हें पता चला कि जिसे वो साल का सबसे बड़ा सीजर समझ रहे थे वो 50 किलो बोरिक पाउडर था। What? बोरिक पाउडर? इसका मतलब इन लोगों कि ये बच्चे लोग बोरिक पाउडर को कोकेन समझ के घूमते रहे और फिर उसी की सूली चढ़ गए। How can that be, sir? Now that is how it is. सर सिर्फ एक आदमी है जो हमें बता सकता है कि क्या हुआ था। सोहेल को अभी तक एएनसी ने छोड़ा तो नहीं होगा? सोहेल की कस्टडी रिक्वेस्ट भेजिए। मेरे ख्याल से बोरिक पाउडर रखने के जुर्म में तो ज्यादा देर अंदर नहीं रह पाएगा। जितना टाइम बीतता जाएगा ये मामला और पेचीदा होता जाएगा। उनकी किस्मत का फैसला तो बहुत पहले ही हो चुका था। अगर मैं नहीं तो कोई और होता। उन्हें तो मरना ही था। पर फिर ऐसा क्यों लगता है कि काश वो भी ये समझ पाते मैं वो नहीं जो तुमने मुझे समझा था। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कंसाइनमेंट इन्होंने उठाया था वो कोकेन ही था एंड देन समबडी चेंज इट एट द पार्किंग लॉट। जब तक झूठ का पता ना चल जाए सब सच ही मानना पड़ेगा। अरे इनमें से कोई भी इतना शातिर खिलाड़ी नहीं है जो ये काम कर सके। बट सर कोई ऐसा क्यों करेगा? बोरिक पाउडर इंस्टेड ऑफ कोकेन, आई मीन व्हाट वुड बी द मोटिव? 2 दिसंबर को नारकोटिक्स ने एक साउथ अफ्रीकन शिप से 2 किलो कोकेन सीज किया था। बाद में उन्हें पता चला कि वो सिर्फ एक डिकॉय था क्योंकि असली शिपमेंट 1 हफ्ते बाद आने वाला था। तो आपका मतलब है ये सब लोग डिकॉय थे और असली कंसाइनमेंट कहीं और डिलीवर हुआ है? बड़ी मछली जाल में ना आए इसलिए छोटी मछली को कांटे में फंसना पड़ता है। ना सोचो कि जब्बार जो हुसैनी के बाद अजमत खां का सबसे खास आदमी वो इन लोगों के साथ क्यों इन्वॉल्व? सर आई एम श्योर इनमें से किसी ना किसी को तो पता होगा कि असली डिलीवरी कहाँ हुई है। बाकी तो रहे नहीं और हेरा और टिप्स लापता है। तो अब इस बात की रोशनी सिर्फ सोहेल मियां ही डाल सकते हैं। सोहेल आजम सर जलपाईगुड़ी से है। 2 बार पहले भी अरेस्ट हो चुका है। 1 बार किसी टेक्निकलिटी पर छूट गया था और 2 बार 1 साल के लिए अंदर हुआ था। ही इज नोन टू बी क्लोज टू बोथ हुसैनी एंड जब्बार। पटका लेके आओ। सलाम साहब। साहब अपन तो बस ड्राइवर है। अभी सेठ लोग जो सामान बोलता है वो इधर उधर करता है बस। सब अपन नौकर आदमी है। अभी जो सेठ बोलता है वो ही करता है। माफी से मैं सच बोल रहा हूँ सर। सब मैं तो ड्राइवर मैंने क्या सवाल किया तुझसे? भूल गया सॉरी सर। मैंने कुछ पूछा ही नहीं। क्यों बकबक किया जा रहा है? बैठ इधर। तुम जाओ बाहर। अब पूछ रहा हूं क्या सामान इधर उधर करता था? सर
अभी कभी सेठ लोग बोलेगा क्या कि कौन सा सामान? अच्छा तो तुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता, कुछ सुनाई भी नहीं देता, क्या नाम है तेरे सेठ का? राहिल सेठ। पिछली बार कब बात हुआ उससे? सेठ है साहब, बात कहाँ करता है। फोन पे बटन दे रहा है। थर्ड डिग्री मांगता है तेरे को, जानते हैं क्या है थर्ड डिग्री? जी सर। पूछे कब बात हुआ था सेठ से लास्ट टाइम? कल, कल फोन करके बोला पार्किंग से गाड़ी उठाने को। डायरेक्ट सेठ से बात हुआ? जी साहब। साले तेरा सेठ क्या जीसस क्राइस्ट है कि मरने के बाद फिर वापस आ जाएगा? आप क्या बोल रहे हो साहब? क्या था गाड़ी में? क्या था गाड़ी में? अपनी माँ की कसम मुझे नहीं मालूम गाड़ी में क्या था। सैम तो ऐसा नहीं बोला, वो तो बोला कि माल की फाइनल डिलीवरी तेरी जिम्मेदारी थी। तूने सबको बताया कैसे डिलीवरी करते हैं? झूठ बोलता है हरामी साला। बिल्कुल श्योर नहीं? आवाज बिल्कुल नहीं? तू जानता है सैम को? सोच ले, सोच ले। अब राहिल सेठ की कहानी से कुछ बोल दे। ये लोग फंसा रहे मुझे, माँ का सब सब फंसा नहीं रहे तुझे, फंस गया है तू। जीवन, दीपक, नीना, सैम, पैटी सब ने तेरा नाम लिया है। सब सारा प्लान उन लोगों का ही है, मैं तो बस लास्ट मिनट में एंट्री मारा ना सर। मेरे पास बहुत केस हैं, ज्यादा टोपी मत घुमा, सब सच सच बता दे। सब वो बहुत डेंजर आदमी सब, मेरा चमड़ा निकाल लेगा। वैसे अगर तू सच नहीं बोलेगा तो तेरी चमड़ी तो मैं ही निकाल लूंगा। वो जो सैम है ना, 3-1 साल से जानता है मेरे को। बोल बोल। वो सैनी भाई के लिए काम करता है। क्यों काम? डिस्ट्रीब्यूशन साहब, अपन दोनों के बीच बढ़िया जमता है, काफी बार क्रेडिट पे माल भी दिया हो। तो तू सैम का पेडलर है? ऐसा ही है। पहले क्यों बोला कि राहिल के लिए काम करता है? क्यों बोला फिर? सैम ने बोला था मेरे को बोलने को। कब बोला? और शाम को मीटिंग में सबको बोला कि कोई भी पकड़ा जाए तो राहिल का नाम लेने का। इस प्लान में तू कैसे आया? सब 2 हफ्ता पहले सैम ने फोन करके मुझे बुलाया। आपने बुलाया भाई? और चिड़ी मर धंधा कैसे चलता तेरा? क्या बोलेगा भाई, जैसा मामा लोग का मर्जी, पर आजकल मामला थोड़ा नरम चल रहा है। भाई को बोलो ना थोड़ा सप्लाई बढ़ाएगा तो अपन को भी गर्मी आएगा ना। कितना गर्मी झेल सकता है तू? इस सिचुएशन में तो 3 टाइम तक तो इजी झेल सकता है भाई। अभी मैं तेरे को 2 हफ्ते का फुल क्रेडिट देगा बोल कितना माल उठाएगा। क्या बोलते हो भाई, 2 हफ्ते में तो अपन पूरा 10 पेटी का माल निकालेगा। बड़ा सोच बड़ा। 10 पेटी? सॉरी, अपना दिमाग मत यूज कर। उधर कपड़ा पड़ा उसमें कार्ड है, वो ले क्या। इस पे एक नंबर लिखा है जी। उधर एक लड़की फोन उठाएगा, हेरा। जी भाई, हीरा मैडम। हेरा, हेरा, हेरा। अभी वो जो बोलेगा वो इच करने का, समझा? जी। बट ले, बट। तो कहाँ मिले लड़की से? वो मेरे को साहब पाली नाका के पास बुलाई। फालतू बात मत करना कोई, ओके? उनको ऐसे लगना चाहिए कि तुम बहुत बड़े फिक्सर हो। बस क्या मैडम? मैडम, माल कितना है? ये जानने की जरूरत नहीं है अभी। नहीं बोले तो, कोई अगर मुझसे पूछे तो क्या बोलेगा मैं? कोई कुछ नहीं पूछेगा यार, एंड प्लस आई विल बी देयर। उतना ही करो जितना बोला गया। चल अब निकल यहाँ से। हाँ, मैं फोन करूंगी उनके सामने, ऐसे मिलना जैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, समझे? जी। जब सैम ने तुझे इस काम के बारे में बताया और जब तेरी उस लड़की से मीटिंग हुई, इन दोनों मीटिंग्स के बीच में कितना टाइम गया? 2-4 दिन गए होंगे साहब। 2 या 4?
सैम ने मुझे नंबर दिया, उसके अगले दिन मैंने लड़की को फोन किया, लड़की मेरे ऊपर चिल्लाई, बोला बिल्कुल फोन मत करना, और दो दिन बाद आगे से खुद फोन करी। आगे से फिर सोच ले। नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ऐसा ही हुआ था। ऐसा सुहेल और सैम मिले एक्सीडेंट से पहले, सुहेल हीरा से मिला उसके तीन दिन बाद। इन दोनों मीटिंग्स के बीच सैम और राहिल का झगड़ा हुआ। अब वीडियो में राहिल का एक्सीडेंट हुआ 6 दिसंबर को, और इसी वीडियो में सैम और हीरा की पहली मीटिंग हुई 10 दिसंबर को। लेकिन सुहेल सैम से मिल चुका था एक्सीडेंट से एक दिन पहले, यानी हीरा से मिलने से 4 दिन पहले 5 दिसंबर को। सुहेल के कहने के मुताबिक सैम ने इस ड्रग डील का प्लान बनाया था एक्सीडेंट से पहले। सैम को क्या सपने में आया था कि उसका राहिल से झगड़ा होगा जिसमें गलती से उसकी जान चली जाएगी? आपका मतलब राहिल भी इस प्लान का हिस्सा था? वरना सैम क्यों कहता कि अगर पकड़े गए तो राहिल का नाम हो? क्योंकि राहिल मर चुका है। And dead men don't tell tales. और ये जीवन की क्या था? फ्रॉड आदमी है साहब, टोपीबाज, सैम का चमचा है साला। सारा डीलर लोग उसे देखते ही कट लेता है। कब से जानता है उसको? जब से सैम को जानता है साहब। काम धंधा? किसी फिल्म कंपनी में काम करते बताता है। जब भी मिलता है एक ही बात रटता रहता है, फिल्म बनाएगा, फिल्म बनाएगा। फ्रॉड साहब। तुझे रोल दिया क्या अपनी फिल्म में? अपने को एक्टिंग वैक्टिंग से कोई मतलब नहीं साहब, रोल तो देगा नहीं, पहले माल उधार ले लेगा। और बाकी सब? बाकी सब दीपक और लड़कियां। हाँ, वो लड़की हीरा, वो लड़की तो एकदम एडिक्ट है साहब, सैम जो बोले वही करने का, बस हीरा ने मिलाया सबसे। भाई तेरे भाई सोलो सप्लाई लाइन है अक्खा मुंबई में, भाई की इजाजत के बगैर मुंबई में चार्ली कोई और सप्लाई नहीं कर सकता। काबुल, नेपाल, कोलंबिया तक पहुंचे भाई का। अभी तुम लोग इतने माल कहां से लाओगे, कैसे लाओगे, ये चक्कर तो आप उनको समझ में नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो, ये तो तुम लोगों का प्रॉब्लम है, लेकिन माल लाने के बाद उसको ठिकाने लगाने का गारंटी आप उनका है। अबे ऐसे देखते रहोगे ना मेरे को कुछ टकीला सकीला है भाई? आप वो भाई बोल रहे थे ये। अजमत खान, तुम विद्वान लोग अजमत खान का माल लेके वापस उसी को चिपकाने वाले थे? अपना अजमत भाई, अपनी माँ की कसम साहब, मुझे नहीं बार और अगर माँ कसम बोला ना तो तेरी माँ को भी यहीं बिठा दूंगा। तुझे मालूम था कितने माल की बात चल रही थी? उस टाइम नहीं पता था साहब। तेरे को समझ में आ गया वो दोनों उधर खड़े हैं पाली नाका के आवास? जी भाई। उधर जा, दोनों बैग उधर ट्रांसफर कर दे गाड़ी में। जी भाई। सर बहुत भारी है, कोई आदमी काट के डाला है क्या इसमें? तेरे को बोला था ना बड़ा सोच, देख देख खोल के देख देख देख। इतना माल, ये ले टेस्ट करके देख। ले ग्रेड है भाई, एकदम मस्त। इतना माल झोला भर के? दो झोला भर के। जी भाई, लाया कहां से? बच्चा लोग लाया क्या? सर आप उनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद छोड़ दो क्या? तेरे को जितना बोला जाए ना तू उतना ही करा कर, समझी? ज्यादा बक बक मत क्या कर, औरतों पे हाथ उठाना ये कान के नीचे रख के देगा मैं तेरे। उतर अभी। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। तू भी उतर।
तो कैसे लगाया माल ठिकाने पर? किधर साहब, उस दिन के बाद तो माल देखा भी नहीं अपन। अभी परसों रात को सैम ने फोन करके मुझे बुलाया। तो सैम तो कर क्या रहा है? क्या कर रहा है? मेरी तरफ तो देखता भी नहीं है सैम। देख तो रहा मैं अभी तेरी तरफ। तू कितना कमीना है यार, इसे क्यों कर रहा है तू? देख मेरा दिमाग मत खिसका, वैसे ही खिसके लाए। अभी हाथ भी टूट जाएगा ना, फिर रोती फिरेगी इधर उधर। अगली बार अगर नाक रगड़ते हुए भी आएगा ना मेरे पास, तो मैं नहीं सुनूंगी फिर से। अभी मैं तेरे को यहाँ से जाने के लिए नाक रगड़ू क्या? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे सैम। मत छोड़, मेरे को पकड़ के रख मेरे को। अभी जाना यहाँ से। भाई मैं आऊं क्या? आजा आजा। मच भाई आपने बोला तो मैं बोल तो दिया कि माल ठिकाने लग। नहीं, प्लान क्या है मालूम? अभी प्लान भी मेरे ऊपर छोड़, सामान लाया क्या? जी भाई, देखा जर्मन मेड है, एकदम फटाफट चलता है भाई। मक्खन मस्त है भाई। वो पुराना मन, इस घोड़े का क्या करोगे? अभी अपने प्लान में ना बहुत फट्टू लोग एंट्री मारे लाए, सबका क्लीन अप करने का, समझा क्या? जब कंट्रोल रूम से हमें फोन आया था तो हम लोग हिल रोड के आसपास थे। 5 मिनट में हम वहां पहुंचे, वहां जाके देखा तो कुछ भी नहीं। देखिए हमने वीडियो फुटेज देखी है, वहां एक्सीडेंट हुआ है। आर यू श्योर? यस मैम, आई एम श्योर, एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। आप लोग वो वीडियो क्लिपिंग दोबारा चेक क्यों नहीं कर लेते? ये दीपक कुमार उर्फ टिप्स के बारे में क्या जानते हैं? नॉट अ क्लू सर, बट सर राहिल के घर के छानबीन में एक अजीब सा क्लू मिला। क्या? सर ये दीपक कुमार की शोरील है जो हमें राहिल के घर से बरामद हुई थी। राहिल के बारे में हम क्या जानते हैं? सर 3 साल पहले कीनिया से आया था और अजमत खान के गैंग के साथ भी देखा गया है। It's interesting. Why don't you lead the questioning this time? Of course, sir. केस जरा पेचीदा है, I'll monitor you. Thank you, sir. राहिल के बारे में बता, याद नहीं आ रहा? जिसके लिए तू काम करता है, चल बता। मैडम मैंने साहब को सब कुछ बोला। अभी साहब गया छुट्टी पर, चल मुझसे बात कर, बता। मैडम वो तो मैं झूठ बोल रहा था, सैम ने बोला था मेरे को कि राहिल का नाम लेने का है, इसलिए मैं। और सैम ने क्या बोला उसके बारे में? बस और कुछ नहीं, इतना ही। बस इतना ही? हाँ मैडम। तेरे को पता है राहिल का मर्डर किसने किया है? मर्डर नहीं मैडम, मेरे को कोई मर्डर के बारे में नहीं मालूम। देख हमारे पास सबूत है कि राहिल के मर्डर में तू इन्वॉल्व है। अब तू सच बोल देगा तो तुझे सरकारी गवाह बना सकते हैं, वरना यहाँ से निकलते ही तेरे भाई लोग टपका देंगे, मालूम है ना तेरे को? मैडम साहब की तरह साहब को बुलाइए ना, मैंने साहब को सब कुछ बुलाइए। मर्डर वर्डर मुझे क्या है? मालूम नहीं इधर क्या हो रहा है? सॉरी मैडम, उसका वकील मिलने आया है। उसको बोल कब का छोड़ दिया इसको। मैडम ये गलत है, मर्डर हुआ है और तू उसका हिस्सा है। अब बनेगी एक नई चार्जशीट, 302, 120B, 307, और निकलेगा तेरा नॉन अवेलेबल वारंट। अब इन सेक्शन का क्या मतलब है बताओ मैं तेरे को? मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, वो सैम ने बोला। सैम मेरे को ने क्या बोला? सैम ने बोला, मैंने अभी बताया ना, सैम ने बोला कि पकड़े जाओगे, मेरे को नहीं सबको बोला राहिल का नाम लेने का। लेकिन राहिल का तो मर्डर हो गया, तो उसका नाम लेने को क्यों बोलेगा? इसीलिए बोला ना मैडम, क्योंकि उसका मर्डर हो गया। तो तेरे को पता है कि उसका मर्डर? बराबर मैडम। अब तो बनेगी एक नई चार्जशीट। नहीं लेकिन मैडम आप सच बोल रहे हो, उस तरफ मैं मतलब था नहीं। किधर नहीं था? जिधर एक्सीडेंट हुआ था। तेरे को एक्सीडेंट का कैसे पता? वो तो मुझे सैम ने बताया मैडम। तो पहले क्यों नहीं बोला? पहले क्यों नहीं बोला? नहीं, मैडम भूल गया था। नहीं भूल गया था? हाँ भूल गया था। और क्या बोला? और कुछ नहीं, बस इतना ही। बस इतना ही जी। तूने उससे पूछा कि राहिल का क्या हुआ? नहीं, उसने सैम ने बोला कि राहिल को ठिकाने लगा दिया, मतलब टपका दिया। हाँ मतलब तो यही मतलब होगा।
सैम ने क्या बोला कि राहिल मर गया है? नहीं। तो तूने बस ये मान लिया कि राहिल मर गया? हाँ। और सैम ने मारा उसको? मतलब तो यही होगा ना। सैम ने क्या बोला जब बॉडी मिली तो? किसका बॉडी? राहिल का। वो तो हीरा ने बोला मेरे को। तेरे को कैसे पता कि हीरा ने क्या बोला? तू क्या था उधर? नहीं, मुझे सैम ने बोला। सैम ने बोला। पर बॉडी तो मिली नहीं, फिर हीरा ने सैम को क्यों बोला कि बॉडी मिल गई है? हीरा ने सैम को बॉडी का इसलिए बोला ताकि माल शिफ्ट ना हो। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा मैडम। फिर 3 दिन बाद उसने तेरे को बोला सैम को बोलने के लिए कि माल डिलीवर हो सकता है। हाँ हाँ मैडम, वो लड़की हीरा बोली मेरे को। तो तूने सैम को धोखा दिया? नहीं मैडम, मैं बोला ना, हीरा बोली मेरे को। तो तूने हीरा के साथ मिलके एक नया प्लान बनाया सैम को धोखा देने के? नहीं मैडम, ऐसा कोई प्लान नहीं। फिर जब तुम लोग माल उठाने गया तो हीरा ने पुलिस को बुलाया? ऐसा ही हुआ होगा मैडम, वो हरामी सबको धोखा दे रही है। क्यों? ये हीरा क्या पुलिस के लिए काम करती है? वैसे बहुत बुरा धोखा दिया रे, उसने तेरे को भी पकड़वा दिया और सारा माल भी। पर मैडम वो माल तो नकली। माल तो क्या, तेरे को मालूम है कि वो माल नकली है? तेरा वकील तुझे बाहर ढूंढता रहेगा और यहाँ तेरा 3rd degree चलेगा। सब मैं बता रहा हूँ सब, लेकिन आप मुझे उससे बचा लेना। अरे तू पुलिस के साथ है, कोई तेरा क्या बिगाड़ सकता है? सब वो राहिल, किससे बचा लूं तुझे? राहिल, उस आराम के चले राहिल से। उसको जानने का मतलब शैतान को जानने के बराबर है साहब। कमरे में एंट्री मारे तो लगे जैसे पिशाच एंट्री मारे लाए, और भेजा एकदम विलेन है साहब, कभी भी कुछ भी कर सकता है, एकदम पावर का भूखा आदमी। लोग उससे डरे इस बात में बहुत मजा आता है उसको, कोई सवाल जवाब नहीं, जो बोल दे वो करने का बस। क्यों ऐसा क्या है राहिल में जो सब उससे इतना डरते हैं? मैडम इंसान पागल हो तो उसका इलाज हो सकता है, पर पागल इंसान के पीछे पावर हो ना साहब, तो उसका तो अल्लाह ही मालूम। क्या पावर? भाई का बेटा है वो। हुसैनी का? अजमत भाई का। बकवास बंद कर सर, अजमत खान का इस नाम से कोई बेटा नहीं है। सगानी हरामी है साला। सर हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये सबको पता है कि राहिल अजमत खान का लड़का है? नहीं नहीं, बहुत कम लोगों को मालूम है साहब। केनिया से आया है ना, बचपन से उधर ही रखा उसको अजमत भाई, और वो अपने से भी नहीं बोलता किसी को, दोनों के बीच जमता नहीं ना साहब। तो हुसैनी को पता थी राहिल की स्टोरी? हाँ साहब, मामू जानते उसके। क्या करें, अजमत भाई ने इसीलिए मुंबई भेजा, सुना है भारी लफड़ा करके आया वहां से। राहिल और हुसैनी का क्या कनेक्शन है? एकदम बंडल, हुसैनी भाई अजमत भाई के नाम को झेलते हैं उसको बस। राहिल ने कुछ बताया हुसैनी के बारे में? साहब 24 में से 16 घंटे उसी को गाली बकता रहता है, उसको लगता है कि अजमत भाई और उसके बीच सिर्फ हुसैनी भाई खड़ा है। मैं एक बात कहूं आपसे। क्यों, तेरे से पूछा कुछ मैंने? कल तेरे को ठोकूंगा तब समझ आएगा क्या? राहिल भाई कैसे आप? क्या कर रहे हो? डिप्स, सैम का दोस्त दीपक। हाँ मैडम, राहिल और डिप्स का तो एकदम पक्का है, आपको नहीं मालूम मैडम? और सैम? सैम चिड़ी मारे साहब, छोटा मोटा घर का पैकेट ऊपर नीचे करता रहता है। अभी जो स्टोरी मैंने आप लोगों को बताया वो तो उन दोनों ने बोला मेरे को बोलने को पुलिस को। कौन दोनों? राहिल और टिप्स। जो सैम का प्लान बताया वो तो झूठ था। लड़की फोन उठाएगा है, बहुत बड़े फिक्स हो गए। गारंटी आप कोई आदमी काट के डाला है? फट्टू लोग एंट्री मारे लाए, सबका क्लीन अप करने का। अरे असली प्लान तो राहिल भाई का है ना? मेरे पास एक मस्त प्लान है, अपने हरामी बाप को चूना लगाने का। अब तक कुछ सच बोला है तूने? पर मैडम ये मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अपुन ड्रग्स का धंधा करता है, कहानी सुनाने का नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, मेरे को बहुत मजा आ रहा है? आगे बोल, आगे बोल। साला अपना दिमाग हिला हुआ है, बुड्ढे को ठोकने का। अरे भाई आप सब्र करो भाई। अरे कोई सब्र वबर नहीं, अब ठोकने का उसको। भाई मैं बोल रहा आपको, वो ऐसे ही मर जाएगा, कहां उसको भाई, छोड़ो। किसको ठोकना है? उस टाइम तो नहीं बोला, पर अब न्यूज देखा तो लगा राहिल भाई ने किया होगा। राहिल ने उड़ाया हुसैनी को? हाँ साहब,
मुंबई में और किसका हिम्मत है हुसैनी भाई को उड़ाने का? क्या बात कर रहे हो भाई, कितना? अबे क्या बात, क्या बे? बोला ना 30 खोखा। 30 खोखा भाई, आप क्या? मैंने इंफॉर्मेशन दिया भाई को। फिर से पूछा किसी ने, फिर क्यों अपनी खाली पीली बीन बजा रहा है तू? साला तेरे को ठोकेगा तब समझ आएगा क्या? भेजा घूम गया था, मेरा तो मुंह से निकल गया। अभी मेरा घूम गया। भाई 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 भाई, 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 सॉरी बोल भाई को। सॉरी भाई। साला चिलगोजे को भी लगता है कि वो बादाम बन गया। जैसा आप बोलो भाई। भाई अब बताओ ना क्या करने के, छोड़ो उसको। मेरे पास एक मस्त प्लान है अपने हरामी बाप को चूना लगाने का। बोलो ना भाई। तू बोला ना तेरा एक डायरेक्टर दोस्त है। हाँ है ना। फिर अपने को एक काम है उससे। जैसा भाई बोलो। तो जीवन भी इनके साथ इस प्लान में था। राहिल भाई को पता था डिप्स का दोस्त है जो दिन भर कैमरा से शूटिंग करता रहता है। सर इसका मतलब ये वीडियो किसी खास वजह से बनाया गया है। क्योंकि राहिल को जरूरत थी एक ऐसे आदमी की जो ड्रामा वो करने वाला था उसे कैमरा पर उतार सके। मैडम थोड़ा ज्यादा ही तेज थी ना। मर जाएगा। वो गाड़ी हेरा चला रही थी। बराबर सर। राहिल ने उसको बोला कि इसका पीछा करे और जहां मौका मिले टक्कर मार दे। बराबर सर। बीबी, are you okay? वो क्या है ना कि राहिल बनाई ऐसे मिट्टी का, वरना तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुझे बताया था ना कि अगर अब झूठ बोला तो बहुत मारूंगा। मैं अभी कहां झूठ बोल रहा हूँ साहब। ये क्या सच बोला तूने? राहिल क्या स्टील का बना हुआ है? ऐसा प्लान बनाता है कोई? वो तो डिप्स भाई ने आइडिया दिया ना साहब। डिप्स ने बोला गाड़ी के सामने आ जाना और तेरा राहिल भाई मान गया। हाँ नहीं, डिप्स भाई ने बोला एक्सीडेंट वैसा ही होगा जैसा फिल्मों में होता है। अब देखिए फिल्मों में जो हीरो लोग मारता है वो असली में थोड़े होता है। अबे पॉइंट पे आना। ओए ये दो दर लेकर आया, तू काय को ताली बजा रहा है? जैसा आप बोलो। सॉरी। तो हीरो, हाँ भाई, तेरे को लगता है ये सब ठीक ठाक कर लेंगे एकदम? हाँ भाई पक्का, 100% सक्सेस रेट है इनका। अन्ना के सेट पे आज तक एक भी एक्टर को छूट नहीं है भाई। देख ले कहीं मेरे बाप को जरा सा भी शक हो गया ना कि सब कुछ ड्रामा है तो साला जानलूम तक पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? आपने फिल्म में कभी देख के लगा आपको ये एक्सीडेंट नकली है? बिंदास नहीं बेबी, आई एम स्कैर्ड, कुछ और सोच लेते हैं प्लीज। बेबी स्कैर्ड है। इस बार या उस बार सोचने का टाइम दिया। अरे अन्ना, ये राहिल भाई, राहिल भाई। और हेरा इस प्लान में क्यों शामिल थी? मैडम राहिल भाई की आईटी में वो जिधर भाई बोलता है उधर ही चली जाती है वो। पर ना भी भाई बहुत बिगड़ गया उसके ऊपर। कौन है तू? तुझे वहां पे काम करने के लिए भेजा था कि टांगे पहने। जब झूठ बोल रहा, मैं वही कर रही थी जो तुमने मुझसे कहा था। कौन झूठ बोल रहा? कौन झूठ बोल रहा है? हां तेरे को वहां पे काम करने के लिए भेजा था या टांगे पहने? झूठ बोल रहे हो कि प्लीज प्लीज तू जो बोल रहे हो। कौन है तू? कौन है तू? क्या करने गई थी वहां पे? क्या करने गई थी वहां पे? टांगे फैलाने। बढ़िया दोस्त जी भाई, जो बोलो भाई
मैडम और साला तू किधर अब? मेरे को नहीं मालूम मैडम। वो क्या चक्कर था एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी? साहब वो सैम सियाने को लगता था कि हीरा उसको धोखा दे सकती है, इसलिए गाड़ी बदली किया ताकि हीरा को पता ना चले कि असली माल कौन सी गाड़ी में। और सैम को इसका बिल्कुल पता नहीं था कि जीवन ये सारी इन्फॉर्मेशन वापस पहुंचा रहा है। सर बाकी सबका तो समझ में आता है पर डिप्स नीना को भी? मैडम डिप्स नहीं तो सबको इस लड़की के चक्कर में फंसा है। अरे भाई आप भी मेरी एक्टिंग देखते ना आप भी हिल जाते। नहीं मैं तो वैसे हिल रहा हूँ। भाई उन लोगों को सच्ची लगा मेरी एकदम फट गई है। ऐसी एक्टिंग में फिल्में करता ना भाई मेरा फिल्म फेयर पक्का था। तेरी एक्टिंग देखने के तो वीडियो बना रहे हैं अपन यार। तो चिंता मत कर तेरी फिल्म भी एक दिन नहीं बनाऊंगा। क्या बात कर रहे हो भाई? भाई थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। चल बियर बोला भी एक भाई। कुछ भी बोलो अपनी वाली निकली भाई। अभी समझ आया तेरे को लड़कियों को ना एकदम जानवर के माफिक रखने का? कुत्ते के गले में पट्टा डाल के रखते हैं ना बिल्कुल उसका माफिक। साला कितना प्यार किया मैं भाई उसको लेकिन जब देखो तब सैम सैम तो टाइम पास था ना उसका। भाई मेरे को पक्का है मेरे पीछे जाके उसके साथ सोती थी। मेरे को भी पक्का भाई अपना एक बार काम हो जाए ना फिर देखता हूँ मैं। ओ लवर जिस दिन सबका हिसाब होगा ना उसका भी पूरा हिसाब होगा। समझा? समझा? लेकिन लेकिन कुछ नहीं अभी सबको ऊपर जाना मांगता है। दोस्त है ना सारे दोस्त ऊपर जाएंगे इकट्ठे। तू भाई को टेंशन ले रहा तू तो अपना छोटा है ना इधर आ। एक्सक्यूज मी सर, सर विजिलेंस ने एक रिकॉर्डिंग भेजी है। जिस नंबर से जब्बार ने डिप्स को फोन किया था वो टैप था। हेलो दीपक कुमार, या यू रीच दीपक के, हु इज दिस? जब्बार भाई बात करेंगे। हेलो क्या दीपक? हेलो मैं ठीक हूँ जब्बार भाई। हेलो और वो तेरा दोस्त कैसा? दोस्त? अबे राहिल की बात कर रहा हूँ। मेरा भी तेरे को फोन करके टाइम और जगह बता। अरे जबर भाई मेरी बात तो सुनो मुझे नहीं मिला जबर भाई। हेलो जबर इस ड्रामे का लास्ट सीन। सैम का नाम और उसके ठिकाने की इंफॉर्मेशन राहिल को पहुंचानी थी जब्बार तक। एनी गेसेस? जब्बार के साथ डिप्स की मीटिंग। अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई थैंक यू। नहीं ट्राई कर बुरी नहीं हूँ। थैंक यू मैम ठीक है। भाई मेरे को सचमुच नहीं पता राहिल किधर है। मेरी बस एक बार फोन पे बात हुई इससे बस। साला तेरा यही जज्बा है, यही जज्बा पसंद है मुझे। तू दोस्ती में जान भी दे सकता अभी नहीं। भाई अभी वो जब से हुसैनी भाई का हुआ तब से वो राहिल अंडरग्राउंड हो गया ना वो बहुत डर गया भाई। उसको उसको लगता है आप सबसे पहला शक तो उसी पे करोगे। अच्छा तू ये बता तेरे को क्या लगता है राहिल राहिल का जबान कड़वा है वो संकी एक नंबर का खोपड़ी हमेशा गर्म रहती है उसकी। उसे नहीं मैं तो मामू जानते ना उसको। तेरा यही जज्बा भाई अब सुन तो लो देखो राहिल को ना मालूम है कि कौन अपने को शिंडी लगा रहा है और उसको लगता है कि वो हुसैनी को भी उन लोग ही टक्कर देंगे। बहुत डेंजर लोग हैं वो बोलता है सिर्फ आप उनको ठिकाने रखा सकते हो। कौन लोग हैं ये? इतने मिलेंगे किधर? वो राहिल आपको बताया ना फोन पे। मैं चलूं भाई। सर आपको क्या लगता है इसने जो कुछ भी बोला उसमें कितना सच है? सच तो सिर्फ वो है जो
हमने अपनी आंखों से देखा है, बाकी सब कहानी है। जो नामुमकिन है अगर उसे हटा दिया जाए तो बाकी जो भी बचता है चाहे कितना ही अजीब क्यों ना हो सच के आसपास ही होगा। तो आपको अब भी शक है? शक क्यों नहीं है, और शक रहना जरूरी भी है। अभी हम केस फाइल बना रहे हैं, राहिल, डिप्स और हीरा। बुलेटिन पोस्ट करो, कुछ सरकारी कागज खर्च करो, केस फाइल बनाओ। यस सर। मैंने दो लोगों का स्क्वाड सोहेल के पीछे लगा दिया है। कुछ तो सोचा होगा उसने कि छूटने के बाद राहिल से कैसे मिलेंगे। हाँ डंडा चलेगा, चल चल। केस डायरी में कुछ मदद चाहिए? नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी, थैंक्स। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो नहीं मिले उनकी जिंदगी भर कोई नहीं भाग सकता। ये दर्द तो खत्म ही नहीं होता, हर दम बढ़ता ही जाता है। अब बस और सहन नहीं होता, शायद यही एक काम बाकी है। यहां और कुछ नहीं है मेरा, सिर्फ तुम हो। मछली तो फंस चुकी है, अब क्यों कांटा डाले बैठे हो? वैसे सुहेल सही काम कर गया? बोलता बहुत है साला, जरा संभालना पड़ा मुझे। हर कहानी का एक अंत होता है और हर कहानी की एक शुरुआत। अभी जो स्टोरी मैंने आप लोगों को बताया वो तो उन दोनों ने बोला मेरे को बोलने को पुलिस में। कौन झूठ बोल रहा है? सॉरी बोल भाई को। तेरी एक्टिंग देखने के तो वीडियो बना रहे हैं अपन यार। अपने फिल्म में कभी देख के लगा आपको ये एक्सीडेंट नकली है? बिंदास। गेम खेलने के लिए गेम तो खेलना ही पड़ता है। अरे क्या हो सैनी, ये क्या छोटी छोटी बातों का टेंशन लेते रहते हो आप? आपको बोला ना एक बार, इधर सब कंट्रोल में। ये बुढ़ा बुढ़ापे में पागल हूँ। अरे भैया कब तक चाकरी करते रहोगे हुसैनी की? ये बुढ़ा जब तक मरेगा नहीं ना तब तक बड़ा गेम खेलने को नहीं मिलेगा अपने को। मरने में कितना टाइम लगता है? और वैसे भी हुसैनी राहिल से कितना परेशान है। little more to the right. और फिर ये शोपीस किस दिन काम आएगा? गेम खेलने के लिए गेम तो खेलना ही पड़ता है। करेगी या नहीं? करूंगी, करूंगी, जो बोलोगी करूंगी। जब्बार था मेरे नशे का साथी और राहिल को मेरा ड्रग्स देना था सख्त नापसंद, और नशे के बिना मैं भी कैसे रह पाती, और यही था उनके प्लान का पहला कदम। सुहेल ने जब राहिल को बताया तो वो मुझे ढूंढता हुआ क्लब में अकेले ही आ गया। तूने फिर से ड्रग्स किया? उससे इतना प्यार नहीं करता ना मैं। अभी काट डालता मैं तुझको यहाँ। ए भाई, गुलाब जामुन लगाया गया? हाँ
जब वो वहां से निकला सुहेल उसके पीछे था। सुहेल ने राहिल को जहां गाड़ी से उड़ाया वहां जीव्स और उसके दोस्त मौजूद थे और यही बन गई उनके प्लान में सबसे बड़ी दिक्कत। तीन दाने बचे ना इसमें। तेरा नाम क्या? जो बच्चा पार्टी भागी ना दर से उन सबको अभी कभी जाकर ढूंढ और ठोक सबको, वरना ये तीनों तेरे पेट को खिलाऊंगा। शाने और शाने तू पहचाना क्या किसे? उनमें से एक को मैं जानता हूँ ना। अभी मुहूर्त निकालो, जा ठोक मार बचा के। पर जीव्स उस रात घर पहुंचा ही नहीं। हाँ कुछ माल बिल पड़ा है क्या? इमरजेंसी कोटा पड़ा है डूड। चल चल के लगाते हैं, कुछ लगाया नहीं ना अभी सिर फट जाएगा। किसने कहा था इतनी जल्दी धोधा के आने को, सिर तो फटेगा ही। चार घंटे बाकी हैं, बोलो उड़ाना है कि नहीं? अब पीछे नहीं हट सकते। राहिल का मरना था प्लान का पहला हिस्सा और दूसरा हुसैनी की मौत। अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत? अल्लाह का करम है। काम हुआ? कानूनी तरीके से काम बिल्कुल ठीक हो गया है। और राहिल मियां कहाँ है? राहिल मियां का तो कल रात से ही स्विच ऑफ है। हरामी औलाद को हराम की ही बचती है। सरपरस्त तो आप है ना? जिंदगी में बस इसी बात का तो गम है। चलिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब सिर्फ एक ही गड़बड़ थी, राहिल की मौत की गवाह। पहले राहिल को ठोका, फिर हुसैनी को आया, फिर गेम बनाया कि राहिल हुसैनी को सटकाए और भाग गया। तेरे को तो छोटा सा काम बोला था, वो भी नहीं बता रहे से। मैं क्या करूं तेरा? क्या करूं भाई? अपन सच बोल रहे हो, कल वो दड़ियल घर नहीं पहुंचा था। तो उधर क्यों रहा? बच्चे लोग थे, अपन ने सोचा डरा धमका के हो जाएगा। अभी चिलगोजे को भी बादाम बनने का है। सोचने का काम कौन बोला तेरे को? मैं बोला ये ना करता है, कुछ करेगा अल्लाह कसम। अरे मोटे, अरे दाड़ियल। लेकिन जब सुहेल जीव से मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं बस आने वाला था आपके पास, वो पैसे लेके भाई मैं। अबे बैंगन फ्राई, तू मेरा पैसा लेके कहाँ भाग सकता है बे? किधर भागेगा भाई, आपका पैसा लेके कैसे भागेगा मैं? क्या बात है? अपुन देखा तेरे को, पार्टी मना रहा था तो फुलझड़ियों के साथ। और बता कल क्या क्या हुआ? अरे भाई मैंने मस्त एक्शन फिल्म शूट किया भाई, यूट्यूब पे डाला, एक दिन में 1000 हिट भाई, 1000। गलत बोला क्या भाई? साफ बोला था उस चिलगोजे को कि ठोक देना तो उधर सबको। अब 1000 लोग देख चुके हैं कि राहिल को उड़ाया कैसे गया। बाबा अब अजमत खान खाल खिंचवा लेगा हम सबकी। अजमत खान को कैसे लगेगा जब उसे पता चलेगा कि इस एक्सीडेंट की रिकॉर्डिंग तो राहिल ने ही की थी? क्या मतलब? क्या राहिल जब हुसैनी को मार के भागा तो उसने कुछ तो सोचा होगा कि अपने बाप के कहर से कैसे बचेगा। ये क्या कह रहे हैं बाबा? सोचो, राहिल ने अपनी मौत का नाटक किया, उसकी रिकॉर्डिंग की
और फिर उसे YouTube पे चला दिया। एक सच को झूठ बनने के लिए एक झूठ को सच बनना पड़ता है। अब उन्हें दिखाया भाई को तेरा वीडियो। अच्छा भाई, भाई ने खुद वेरी गुड बोला। क्या बात कर रहा है? बोला क्या मस्त फिल्म बनाया तूने। भाई पारखियो आप भाई, आपने मेरा टैलेंट पहचाना भाई। मेरे पास बहुत सारा एंगल में मैंने शूट किया भाई। हाँ हाँ भाई ने वो भी बोला। अच्छा। बोला भाई ने। अब ये फिल्म तो भाई के लिए बनाएगा। क्या बात कर रहे हो भाई, कैमरे पे हाथ रख के कसम खा भाई, प्लीज भाई। शर्तें? हाँ भाई। ये उस बच्चे लोगों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हर शॉट आर्ट फिल्म जैसा रियल लगना चाहिए। भाई मैंने वैसे ही सोचा है भाई, वैसे ही बनाऊंगा भाई। और ये आप उन दोनों के बीच सीक्रेट रहेगा। हाँ भाई बिल्कुल सीक्रेट रहेगा भाई, पक्का। डन डन भाई। रख कैमरा पे हाथ। रखा भाई। खा कसम, बॉलीवुड की कसम भाई, एकदम टॉप सीक्रेट भाई। ये ले साइनिंग अमाउंट। और इस तरह बना एक नया प्लान। क्यों भाई? हाय सैम, you happen to kill my boyfriend? What? कि हमें 2 करोड़ रुपए मिलेंगे ये करने के लिए। और फिर जो हुआ वो तो होना ही था। क्या था गाड़ी में? इतनी जोर से मारेंगे साहब? अरे नहीं, थाने में तेरी आरती उतारेंगे। अबे तेरे को मजाक सोच रहा है, निकालू घोड़ा? नहीं नहीं नहीं, एक्टर टेंशन में आ रहा है बेचारा, आराम से। हाँ क्या था गाड़ी में? अभी कभी सेठ लोग बोलेगा। ठीक बोला साहब? अरे पूरा बोल ना, क्या था गाड़ी में? अभी कभी सेठ लोग बोलेगा क्या कि क्या था गाड़ी में साहब? थोड़ा आंखों में थोड़ी फीलिंग और ला, जैसे मुझे क्या मालूम क्या था गाड़ी में। अभी कभी सेठ लोग बोलेगा क्या कि क्या था गाड़ी में साहब? हाँ ऐसे ही बोलना। प्लान वही रहेगा। ओके मैं संभाल लूंगी सब कुछ। तुझे मालूम है आजकल तेरा कौन सा फोन टैप्ड है? हाँ 2-4 छोकरों का नंबर टैप हो रहा है। वो क्या है, कभी कभी मामू लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। ठीक है, तुझे क्या लगता है? हमें कुछ नहीं पता। सुन, किसी भी टैप नंबर से टिप्स को फोन लगा। अकॉर्डिंग टू हेरा वो अजमत खान का आदमी है। सर सर मुझे सचमुच नहीं पता ये राहिल कौन है सर। हम तो सिर्फ सर सर सचमुच मेरी बात। मैं भी जानता हूँ कि तू राहिल को नहीं जानता, लेकिन तू ये बता झगड़ा किससे हुआ था उसका? सर जब बार हम किसी को नहीं छोड़ेगा। यू नो व्हाट यू नीड टू डू, गिव इट बैक टू राइट वेयर इट हर्ट्स। पार्किंग नंबर 30 ग्रे सैंड्रो। आप वहां जल्दी जाइए नहीं तो वहां से गाड़ी निकल जाएगी। अबे उठ पुलिस पुलिस। सुनिए भाई साहब, आपको अंदर कोई बुला रहा है। अरे ये देख लो। अरे देखी तेरी हड्डी। अच्छा किया तूने, खुद को ही पकड़वा लिया। थैंक यू सर। प्लान वो ही रहेगा, सब याद है ना तेरे को? जी। फिक्र मत करना, मैं वहीं रहूंगा। बस कैसा, मस्त एक्टिंग करेगा अपुन। अब अपुन के धंधे में तो एक्टिंग हर रोज ही करनी पड़ती है। अब हुसैनी भाई के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या कहें बाबा, अजमत भाई का कहा टाल भी दे नहीं सकते ना। किसका क्या करना है सोचा कुछ? ड्रग्स बहुत करती है, हफ्ते तो हफ्ते में हो जाएगा काम। ऐसा लगा मर्ज इश्क तुझे कि अब तेरे बचने की कोई सूरत नहीं। वो कुछ और ही होते हैं, हम वो नहीं है जो हुस्न के दीदार में ही शहीद हो। केस फाइल बन चुकी है, दुबई फोन करो और भाई को मेरा भी सलाम कहना। अरे अजमत भाई भी यही सोच रहे हैं कि लौंडे के भाग जाने का गम मना है या हरामी औलाद से 30 खोखे में पीछा छोड़ाने की खुशी। उनसे कहो जख्म कुरेदने से नासूर बन जाता है, वक्त के साथ भर जाने दो उसे। बाबा आपके साथ काम करने में मजा आया। समझा करो बाबा। समझता हूं।
राहिल और जब्बार के जिस लव ट्रायंगल में तुम फंसी हो उसे बचने का एक ही तरीका है, वही करती जाओ जो मैं कहता हूं। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जब्बार समझा ही नहीं कि जिसने सच और झूठ का ताना बाना बुना उसने कब उसका सच पर रख लिया था। ये तो होना ही था। जो नामुमकिन है अगर उसे हटा दिया जाए तो बाकी जो भी बचता है चाहे कितना ही अजीब क्यों ना हो सच के आसपास ही होगा। अपने आप हिटलर बन के ठगे यहाँ पे सभी चवन्नी छाप। हर पल होने लगे करिश्मे देखो अपने आप हिटलर बन के ठगे यहाँ पे सभी चवन्नी छाप। शहर बदनाम हो रहा है मगर हर काम हो रहा है। इमोशन का बिजनेस भी देखो खुले चार्ली के चक्कर में हर पल निगाहों में है वो किसकी बाहों में है जिसकी अदाएं चलती है यहाँ पे। सांसें हैं ऊपर नीचे फिर भी सब उसके पीछे कोई न जाने क्या उसका पता रे। क्यों खुशहाल भी रो रहा है धुले कपड़े फिर धो रहा है। रातों का पुल ऑपरेशन सुबह शाम हो रहा है। एक अजब सी हलचल है बिल्डिंग से लेकर छप्पर में चार्ली के चक्कर में चार्ली के चक्कर में। नजरें सितारों पे है चलना अंगारों पे है क्या कुल्ले संसोगा उल्टा है पुलता है। इतरा के रोना भी है खबरा के हंसना भी है सबको यहाँ ड्रामा करना पड़ता है। सच किरदार खो रहा है झूठ रिश्तेदार हो रहा है। रिलेशन का हर एप्लीकेशन बेबस बेकार हो रहा है। चार्ली के चक्कर में ओ चार्ली के चक्कर में।